हेलो फ्रेंड्स, मैं रजी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग ऑन रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली में मौसम बहुत ही मतलब अजीब सा हो रखा है। 3 दिन से बारिश हो रही है। इस टाइम थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई है। आप ये मेरी छत देख लीजिए तो पूरी भीगी पड़ी है। मेरा गार्डन भी इस वजह से थोड़ा सा बेतरतीब हो गया है। कुछ प्लांट्स मुझे यहाँ पर शिफ्ट करने पड़े अपने पीछे, जिनको ओवर वाटरिंग का ख़तरा था। तो बाकी प्लांट मेरे अपनी जगह पर हैं। तो ये प्लांट मेरा है दोस्तों, ये बोगनविलिया का प्लांट है मेरा। आज इसके वीडियो बनाने का सोचा मैंने। बिकॉज कि इसमें जो फ्लावर आ रहे हैं, मैं ये सोच के लाया था ये ड्वार्फ क्वालिटी का बोगनविलिया है। इसमें फ्लावर आएंगे, बंच में फ्लावर आएंगे, वाइट कलर के फ्लावर आएंगे। तो बट अभी तक ये फ्लावर जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, आप देख रहे हो इसका कलर अभी तक बिल्कुल ग्रीन है। आई थिंक ये बाद में जाके वाइट हो जाएगा। अगर ये ग्रीन रहेगा तब भी अच्छा लगेगा। खैर, एक अलग कलर का मेरे पास बोगनविलिया हो जाएगा। अब इसको ओवरव्यू देख लीजिए। इसकी लीव्स दोस्तों मैंने कुछ काट दी हैं। अभी बहुत ही लंबी लीव्स हैं इसकी, बिल्कुल पॉइंटेड। तो आज मैं कुछ इसका डिफोलिएशन करने जा रहा था, कुछ पत्तियां काटने जा रहा था, तो सोचा कि इसके बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो बहुत बड़ी पत्तियां हैं वो मैं काट दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे इनको एनपीके देता हूँ। और इस वजह से दोस्तों इनकी जो ग्रीनरी है, जिनकी ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी हो रही है। थोड़ा सा इसकी पत्तियां काट देने से दोस्तों प्लांट का स्ट्रक्चर अच्छा नज़र आएगा, दिखेगा। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा इसकी पत्तियां काट दी जाएं। उसे बहुत ज़्यादा ग्रीन है प्लांट, तो अच्छा तो लग ही रहा है। खैर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें फ्लावर ज़्यादा आए। इसकी पत्तियां मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके पॉट में मैंने सीमेंटेड पॉट में लगा रखा है दोस्तों। इसके सॉइल में मैंने वर्मी कंपोस्ट ऐड किया था। जब मैं लाया तो पूरी की पूरी इसका रूट केज जो होता है वो मैंने निकाल दिया था। इसकी पूरी पत्ती इसकी झड़ चुकी थी। इसकी मैंने वीडियो भी बनाई है दोस्तों, आप लोग अगर देख लेना कि ये किस कंडीशन में था जब मैं इसको लेके आया था नर्सरी से। इसको मैंने एक डंडे से सपोर्ट दे रखा है। ओवरऑल प्लांट ये जो है, मैं इसको बोनसाई बनाने के लिए लाया था, बट मैं इसको अभी तो फ्री ग्रो होने देता हूँ। इसको मैं कोई वायरिंग वगैरह नहीं करूँगा, जस्ट इसमें फ्लावरिंग किस कलर की आएगी ये देखना है। अभी तो फ़िलहाल मुझे ग्रीन लग रही है। इन फ्यूचर ये वाइट होने के इसके चांसेस हैं, क्योंकि जो वाइट फ्लावर होते हैं वो स्टार्टिंग में ग्रीन होते हैं। आप लोगों को कोई आइडिया हो तो इनबॉक्स में आके मैसेज में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देख लो दोस्तों, हवा कितनी चल रही है और आसमान में काले बादल हैं बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है तो मेरे ऑलमोस्ट प्लांट्स सारे ओवर वाटरिंग के शिकार हो जाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है मेरा वो वाला बोगनविलिया है बिल्कुल ही उसके फ्लावर डल हो चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी दो तीन दिन से नहीं मिल रहा है। अभी तो मैं इसको अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ किस कलर का फ्लावर आएगा दोस्तों, लेकिन जो भी आएगा लाजवाब आएगा, बहुत ही शानदार आएगा। इसके हर एक जो न्यू शूट्स हैं, न्यू ब्रांचेस हैं, सब पे आएंगे फ्लावर्स। तो विद इन 10 डेज मैं इसका ओवरव्यू आप लोगों को दिखाऊंगा। तो
बाकी कुछ मेरे प्लांट्स हैं जो बारिश में है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये फाइकस का प्लांट है दोस्तों, फाइकस प्लांट, तो मैंने इसकी जस्ट कटिंग कर दी है एंड ये टू ब्रांचेज अभी रिप्लेस करूँगा, बाद में इसको मैं ऊपर इसका अच्छा सा फॉलेज बनाऊँगा। फिलहाल तो मैंने इसकी जस्ट कटिंग करके ऐसे डाल दिया है। ये मेरा लेमन बॉन्साई, ये भी पानी में पड़ा हुआ है दो तीन दिन से। ये मेरा मॉस रोज पोर्चोलुका, इसकी भी अल्टीमेट फ्लावरिंग हो रही है दोस्तों, इसको तो आपने देख रखा है। यानी मेरे सम रोज़ प्लांट है दोस्तों, इसमें कुछ फंगस लग गया था, अब धीरे धीरे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एंड मेरे पोमग्रेनेट जो अनार है प्लांट दोस्तों, उस पर अनार लगा भी है एंड सम छोटे छोटे बर्ड्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे फिर से, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू शूट है जो आप बड़ी सी देख रहे हो ऊपर। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही है। हाँ, और वन मोर थिंग दोस्तों, ये मेरा बोगनविलिया जो बंच में फ्लावरिंग आ रही है इसकी, इसकी ऑलमोस्ट सभी शूट्स जितनी नई शूट्स हैं सब पे फ्लावरिंग आ रही हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगने वाला है इन फ्यूचर। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। आप दिल्ली में हो तो ओवर वाटरिंग से अपने पौधों को बचाइए।